हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम गाइस देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट, जिनका चल रहा है नो कॉन्टैक्ट जोन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन। आपके पार्टनर्स के सीक्रेट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए? लाइक क्या सीक्रेटली वो फील कर रहे हैं, क्या हैं सीक्रेट इमोशंस उनके नो कॉन्टैक्ट जोन में जो आप लोगों को नहीं पता, आज हम देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है, आज आपको आइडिया मिलेगा और आज आपको समझ भी आएगी कि वो कैसा आप लोगों को लेकर सीक्रेटली फील करते हैं, क्या हैं उन लोगों के आपको लेकर सीक्रेट इमोशंस। सो रीडिंग गाइज जो ये है कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड पर्सनल रीडिंग्स जो लोग बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ आई एम बैक विद माय ओल्ड यू नो सेटअप। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, आपका ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, वो पर्सन आपको छोड़ के चले गया, आपके एक्स हैं, आपका कोई हस्बैंड वाइफ जिनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, आप जानना चाहते हो कि उनकी सीक्रेट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, तो उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। सो टुडे आई विल बी यूजिंग माई न्यू टैरो डेक, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल द सूफी टैरो डेक। सो मैं शो कर देती हूँ आपको, बहुत से लोग पूछते भी हैं। सो इट्स अ सूफी टैरो आयदा हुसैन, ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट। सो लेट्स सी, अपनी फ्रेश न्यू कार्ड से देखेंगे कि जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपके पार्टनर्स की जो हैं, आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा सीक्रेटली वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, ताकि रीडिंग की एनर्जी आपसे रिलेट कर पाए। याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसको जनरल की तरह देखना है, डोंट टेक इट पर्सनल, ओके। सो फर्स्ट वी हैव नंबर 10, इट्स अ चरखाए फलक, ओके, बिकॉज इट्स अ न्यू कार्ड, सो दैट्स वाई थोड़ा सा बहुत इज द टिपिकल यू नो उर्दू लिटरेचर वाली ये इस पे लाइक प्रिंटिंग हुई हुई है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून, इस चरखाए फलक नंबर 10। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो सेगिटेरियस हो सकता है। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी गाइस, ओके। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन जो है किसी तरह से किस्मत का वेट कर रहा है कि कब किस इस पर्सन का आपसे जो है वो रीयूनियन होगा, कब किस्मत जो है इस पर्सन को मौका देगी आप लोगों से मिलने का, बिकॉज शायद काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिले हो चुका है, काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई आप लोगों की। दैट्स वाई इट्स अ डॉटर ऑफ स्टाफ, इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आई थिंक ये जो भी आपके पार्टनर हैं गाइस, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, किस्मत ने आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाया है और एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दिस पर्सन फीलिंग अ वेरी डेस्टाइन कनेक्शन विद यू, इनको लगता है आप इस पर्सन के डेस्टाइन पार्टनर हो, इसी के लिए बने हो, जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है कि इनकी किस्मत चेंज हो सकती है अभी भी अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन विद द डॉटर ऑफ स्टॉफ, इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशन आपके इस कनेक्शन में दिख रहा है, आपकी तरफ बहुत पैशन दिख रहा है एंड ये आपको मैसेज करने का वेट कर रहा है गाइस ये पर्सन, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन लाइक फर्दर डिले और नहीं करना चाहता, बस किसी तरह से आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपकी मीटिंग हो पाए और इस कनेक्शन का जो है वो रिबर्थ हो सके। मुझे लगता है आप लोगों ने एक साइकिल कंप्लीट किया है, इट्स अ कार्मिक साइकिल वो जो कंप्लीट हुआ है आप लोगों का इस कनेक्शन में। हो सकता है पास्ट में आपकी ये कनेक्शन रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रही है, ठीक है, रफ एंड टफ सिचुएशन रही है, बट अभी लग रहा है जैसे साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है कार्मिक, दैट्स वाई ये आपसे मिलना चाहता है ये पर्सन एंड आपसे आपको मैसेज करना चाहता है। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको मैसेज रिसीव होगा इनकी तरफ से। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ एरिस लियो सेगिटेरियस। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए एंड आई फील लाइक गाइज ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहते हैं और मैसेज करके आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सब चीज़ों को रिजोल्व करना चाहता है, बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स विक्ट्री। और मुझे लग रहा है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आप लोगों से बात करने के बारे में इस टाइम ये पर्सन ना प्लान कर रहे हैं और ये आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है ये आपको स्पाई भी करते हैं, यस, लेकिन कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है ये पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो रही है, बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू।
वी हैव सिक्स ऑफ कॉइन्स नाउ दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स म्यूचुअल गिव एंड टेक. मुझे लग रहा है इस पर्सन को थ्रोट चक्रा गाइस ब्लॉक्ड है, या आपको कहना चाहते हैं कुछ लेकिन कह नहीं पा रहे. ऐसा लग रहा है इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है. आप इस पर्सन को गाइस हीलिंग भेज सकते हो, अदरवाइज आप प्रे कर सकते हैं कि इस पर्सन का जो थ्रोट चक्रा है वो यू नो ओपन हो जाए, एक्टिवेट हो जाए. आप मैनिफेस्ट करो. डेफिनेट इनको लगता है आप दोनों का साथ जिंदगी भर के लिए एक बना है, ठीक है, और एक मैजिकल इनको आपकी तरफ कनेक्शन महसूस हो रहा है. एंड डेफिनेटली मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं. यस, आप दोनों मिल के ताकि इस कनेक्शन को जो है वो आगे एक सक्सेस की तरफ लेकर जाओ. विद द सिक्स ऑफ कॉइंट्स ये एक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपकी साइड से भी और अपनी साइड से भी. टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है. नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 10. इट्स अ टॉरस वीर्गो कैप्रिकॉन. यस, ये पर्सन म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं. ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है काइंड अपना एक्ट करना चाहते हैं और काइंडनेस के साथ आपसे बात करना चाहते हैं. दिस पर्सन रियली वांट टू से समथिंग, अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये कह नहीं पा रहे. मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो पा रही है. बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में. पास्ट में मुझे लगता है वन साइडेड ये कनेक्शन रहा है, बट नाउ ये पर्सन दोनों साइड से आपकी एनर्जी जो आप देते रहे हो पास्ट में वो रेसिप्रोकेट अभी आपको करना चाहते हैं, ताकि आपके इस कनेक्शन में बैलेंस बन सके. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव एंड इक्वल गिव एंड टेक हो सके. जितनी एफर्ट आप कर चुके हो अब ये खुद भी करने के लिए रेडी है. एंड ऐसे लग रहा है ये आपको मैसेज करके डेफिनेटली आप को ऑफर करेंगे कि आगे कनेक्शन सक्सेसफुल की लेके जाते हैं. वी हैव नफ्स नंबर 15. ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा. इस पर्सन को काफ़ी पैशन है गाइज आप लोगों की साइड पे. इनको ऑब्सेशन हो रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं. किसी भी हाल में ये पर्सन बस आपसे बात करना चाहता है. ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. इस पर्सन की डिज़ायर डेफिनेटली आप लोगों के साथ फिजिकली भी हैं, ठीक है. ये काफ़ी ज़्यादा गाइज आप लोगों को लेकर अपने लाइक एक जुनून हो रहा है इस पर्सन को. ये दिस पर्सन इज़ ऑब्सेसिवली अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू एंड एक ऑब्सेशन है, एक अडिक्शन आपकी हो रही है इस पर्सन को. ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आपकी जैसे आदत सी हो चुकी है और आपसे बात किए बिना जब तक कंट्रोल हो सकता था इस पर्सन ने किया है, चाहे ये मेल है या फीमेल है. बट इनको ऐसी अडिक्शन हो गई है. वो कहते हैं ना आदत जो होती है वो मोहब्बत से भी ज़्यादा यू नो डेंजरस होती है, ज़्यादा जानलेवा होती है. तो इस पर्सन को आपसे मोहब्बत से ज़्यादा आप लोगों की एडिक्शन हो चुकी है कि जब तक इनसे कंट्रोल हो सकता था ये कर चुके हैं या कर चुकी हैं, जो लेडी भी है तो. लेकिन अभी इनसे मज़ीद फर्दर आगे जो है वो लाइक गाइस अपने आप को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है. और अपने आप को कंट्रोल करते करते आपसे बात ना करने क्यों, अपने कंट्रोल करते करते ये पर्सन जो है अब लाइक उसको गुस्सा आ रहा है. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लाइक ग्रम्पी होता जा रहा है, ये पर्सन एग्रेसिव होता जा रहा है, चाहे ये मेल है या फीमेल है. अब ये इनकी लाइफ ऐसे है डार्कनेस में, ये डार्कनेस में है. इनकी लाइफ में कोई आगे रोशनी नहीं दिख रही, तो ये चाहते हैं कि आपसे बात होगी तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई ना कोई खुशियाँ आएंगी, कोई ना कोई मूवमेंट आएगी, कोई ना कोई एक तरह से आगे सक्सेस की तरफ जाएगा ये पर्सन की लाइफ भी, आपका कनेक्शन भी. तो ये अभी आना चाहते हैं आपकी तरफ. काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन है, काफ़ी ऑब्सेसिवली ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है. ऐसे लग रहा है जैसे इनको कोई रोकने की भी कोशिश कर भी रहा है लेकिन ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. हो सकता है इस टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी से घिरा हुआ है, या फिर कोई ना कोई आपके इस कनेक्शन में डार्क एनर्जी है जो इस पर्सन को रोक रही है. यहाँ तो इस पर्सन पे हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक भी करवाया कि किसी तरह से ये आपके पास ना जाए. मैं सबकी बात नहीं कर रही, सर जनरल एनर्जी. तो अगर आपको पता है कि डार्क एनर्जीज हैं तो आप उसको जितना जल्दी हो सके रिमूव करवाओ, ठीक है. क्योंकि ये नफ्स की एनर्जी है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी एडिक्शन हो रही है, ऑब्सेसिव हो रहा है ये पर्सन. वी हैज एस ऑफ स्टॉफ, इट्स एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी. येस, ये दोनों कार्ड्स हैं फिजिकल अट्रैक्शन एंड सेक्चुअल अट्रैक्शन के. इनको काफ़ी ज़्यादा गाइस आपको लेकर सेक्चुअली एंड फिजिकली ये पर्सन के इमोशंस हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं, सीक्रेट्स जो ये आप लोगों के साथ डेफिनेटली फिजिकल होना चाहते हैं. आप इस पर्सन को सड्यूस कर रहे हो. मे बी आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इनको लगता है खुश हो, दैट्स वाई आपको खुश देख कर
ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, बस रह नहीं पा रहा आपके बिना, क्योंकि ये आइडिया सोच रहे हैं न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ के, किसी तरह से आपसे कांटेक्ट हो पाए और ये जो फील कर रहे हैं ये वो आपको अपने इमोशंस बता पाए इस टाइम। कैप्रिकॉन एनर्जी है, एरिस लियो सेगिटेरियस है, टोरस वर्गो कैप्रिकॉन है, सेगिटेरियस एंड कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। नंबर सिक्स एंड इट्स सिक्स, डबल सिक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, इलेवन इलेवन नंबर इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल वन नंबर इंपॉर्टेंट है, फिफ्टीन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। यस ये आना चाहता है गाइस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बस बात की बिना रह नहीं पा रहे, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं विद द एस ऑफ स्टाफ एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन कोई न्यू है जिसके साथ आपका रिसेंटली कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, लेकिन हो सकता है सम हाउ कहीं ना कहीं वो आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, हो सकता है आपका कॉन्टैक्ट है भी उनसे, कुछ लोगों की बातचीत हो रही है इस पर्सन से, लेकिन आप शायद इस पर्सन से कम बात कर रहे हो, ठीक है। और ये एक न्यू कनेक्शन है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है आप लोगों को लेकर, और अपनी जो इमोशंस इनके काफ़ी ऑब्सेसिव, काफ़ी ज़्यादा सिडक्शन वाले हो रहे हैं ये आपको बताना चाहते हैं, और बताने के लिए ये पर्सन प्लान कर रहा है, और मुझे लगता है सडन मतलब बहुत जल्द, वेरी सून आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज रिसीव होगा, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी, गुड न्यूज़ रिसीव होगी, मैसेज के थ्रू ही आपको अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं और आपकी तरफ कितनी ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है। लेकिन इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, वो साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे डिले आप देख रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, अगर तो ये आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पास्ट का पर्सन है, तो डेफिनेटली ये आपसे दूर हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी अनर्जीज आपके साथ कनेक्टेड हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड वी हैव द स्टार, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली विश एंड ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी विश पूरी हो जाए, आपसे यूनियन हो जाए। सो ये आपको बहुत ज़्यादा गाइस याद कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल सिक्स की एनर्जी है, ये सिक्स है, ये सिक्स है, एंड दिस वन इज ऑल्सो सिक्स, ट्रिपल सिक्स, इट्स अ पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन गाइस। ये पर्सन को आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन महसूस हो रहा है जिसको ये पर्सन जो है ना भूल नहीं पा रहा, आपको डिटैच भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स अ फर्स्ट कार्ड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का है, इट मीन्स ये आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है, आप लोगों का मिलने का कोई ना कोई पर्पज़ है, आपने एक दूसरे को सिखाना है कुछ ना कुछ, तो मुझे लग रहा है आप शायद आप तो सीख चुके हो और ये पर्सन भी सीख गया काफ़ी हद तक। एंड इस टाइम ये पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, जब तक आपका रीयूनियन नहीं होगा, जब तक आप लोगों की यूनियन मीटिंग में नहीं आ जाते, ठीक है, आप एक नहीं हो जाते, तब तक ये पर्सन हील नहीं हो पाएगा, ये आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया ये पर्सन वो याद कर रहा है, या तो ये पर्सन आपका ओल्ड कोई फ्रेंड है, ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ योर ओल्ड लवर, एंड कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आपका कोई ऐसा स्कूल कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, या अगर फ्रेंडशिप भी रही है तो डेफिनेटली वो अगर रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं और ये विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इससे रीयूनियन कर लो, क्योंकि ये पर्सन का विश कम ट्रू आप विद अ सितारा, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में शाइन, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, इनकी ज़िंदगी में लाइट, इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आप लेकर आ सकते हो, और पॉजिटिविटी भी आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना काफ़ी नेगेटिव हो रहा है, और इनको लगता है आप ही इस पर्सन की ज़िंदगी में एक होप हो जो इसको ज़िंदगी में जीने की एक नई उम्मीद दे सकते हो, तो अभी भी इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, तो वो आपके होने से आएगी, और आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है, या फिर इन्होंने हो सकता है आपके अपनी लाइफ में आने से बहुत कुछ अपने आप को चेंज किया है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को चेंज किया है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, या इस पर्सन के बहुत सारे अफेयर्स थे, बट इन्होंने उन चीज़ों को भी बहुत इम्प्रूव किया है, इनको आप इतने पसंद हो कि इन्होंने अपनी उन एडिक्शंस को, अपने उन अफेयर्स को भी छोड़ा है, क्योंकि ये आपको चाहता है, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन का सोलमेट कनेक्शन है, दैट्स ये विश कर रहे हैं आप लोगों से मिलने की, आप इस पर्सन का विश कम ट्रू हो, आप इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू हो, इनका ड्रीम है इस टाइम आपसे मिलना, आपसे मीटिंग करना, क्योंकि आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम देखता रहता है, आप इस पर्सन के ड्रीमी वर्ल्ड के एक यू नो किंग एंड क्वीन हो। 17 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एंड इसका एक्वेरियस एनर्जी, डेफिनेटली ये चाहते हैं, इनको लगता है आप इस पर्सन की ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हो, इसीलिए चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट करना, आपसे बात करना। कुछ लोगों का हो सकता है ये न्यू कनेक्शन है लेकिन अभी बातचीत ज़्यादा नहीं हुई, तो डेफिनेटली वो आगे आपको एक देखते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जो इनकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ सकते हो, इनकी लाइफ को खुशियों से भर सकते हो, दैट्स वाई ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यस और अपने इमोशंस जो भी हैं, इनका नफ्स अपने आप से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप इनको टर्न ऑन कर देते हो गाइस, दैट्स वाई ये आपसे बात करना चाहते हैं।
क्योंकि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेसिव हो रहा है आप लोगों को लेकर, इनको एडिक्शन हो रही है, इनको ऑब्सेशन हो रहा है कि किसी तरह से आपका ये कनेक्शन बैलेंस आउट हो जाए, सब चीज़ें जो हैं वो इक्वल हो जाएं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, फिक्स हो जाए सब कुछ, आगे मूवमेंट हो आपके इस कनेक्शन में कोई ना कोई, ये आपका पर्सन चाह रहा है इस टाइम, दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये पर्सन आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। देन वी हैव डॉटर ऑफ कप्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ योर सीक्रेट एडमायर, ये आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको लेकर जो भी इस टाइम सीक्रेट फील कर रहे हैं इमोशनली लव फीलिंग्स, वो आपको बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले हैं, आपको मैसेज रिसीव होगा इनकी तरफ से और ये आपको प्रपोजल भी देंगे, इस टाइम प्रपोजल देना चाहता है ये पर्सन। ये पर्सन या तो सी साइड रहता है या फिर किसी वॉटर साइड पर रहता है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, इट्स अ कैंसर पाइसी स्कॉर्पियो एनर्जी। ये पर्सन हो सकता है किसी तरह से या तो म्यूज़िक लवर हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर खुद ये पर्सन बाई प्रोफेशन म्यूजिशियन हो सकता है कुछ लोगों की साइड से, बट अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई किसी तरह से फेमस हो या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन इसी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। विदा सितारा, हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप लोग हीलर हो सकते हो, आप लोग काउंसलर हो सकते हो, या फिर आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसी एनर्जी है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप किसी भी इंसान को हील कर सकते हो। ये पर्सन आपको देखता है, यू गाइस आर लाइक अ स्टार सीड, इनको लगता है आप इतने प्योर हो, इतनी आपकी सोल प्योर है कि आप शायद इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हो, और इनकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ लेकर आ सकते हो। छोटे छोटे स्टार्स इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी हैं, लेकिन आप इस पर्सन की लाइफ में एक बिग स्टार हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है लाइक फेमस भी हो सकते हो, या फिर आप किसी तरह से कुछ ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे, और वहाँ पे भी हो सकता है ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ करते हो तो ये पर्सन आपको जितना देखते हैं उतना ज़्यादा इनको आपकी याद आती है और इनका दिल चाहता है आपसे बात करें, आपसे मैसेज करें, आपसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आपकी बात, आपकी आवाज़, स्पेशली आपकी वॉइस इस पर्सन को हील करती है, इसीलिए अपनी लाइफ में ही आपकी एग्जिस्टेंस चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और आपको अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे कि ये आपको कितना चाहते हैं, और आपको प्रपोजल देंगे कि कितना ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ ऑब्सेसिव है, या फिर इनको कितनी एडिक्शन हो गई हुई है आपकी, ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बताने के बारे में प्लान कर रहे हैं, और आपको मैसेज रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पर टू पेजेस की एनर्जी है, टू एसीज की एनर्जी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखूंगी गाइस, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गाइड भी किया करें आप, तो गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। वी हैव शार्प स्वॉर्ड, आप जो हो गाइस प्रैक्टिकल रहो, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल आप लोगों ने नहीं होना, हाँ आप अपने इमोशंस को लेकर ट्रूथफुल ज़रूर हो, लेकिन बी बोल्ड, बी प्रैक्टिकल, कम्युनिकेशन आप क्लियर करो, जो आप चाहते हो आपने वो इस पर्सन को बताना है, ठीक है, अपने इमोशन से ज़्यादा, अपने दिल से ज़्यादा, अपने दिमाग को साथ लेकर आपने चलना है, ठीक है, अनबाइज्ड होकर सब कुछ करना है जो भी करना है। आपके लिए गाइडेंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो जब तक ये पर्सन आता नहीं आपके पास। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।